दोस्तों, जब ब्रेकअप होता है तो बहुत तकलीफ होती है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। ऐसी स्थिति से उभर पाना बहुत मुश्किल होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मेथड साइकोलॉजी में। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद दिल और दिमाग के बीच एक अनजाना द्वंद्व शुरू हो जाता है। दिमाग कहता है, हो गया ब्रेकअप, अब भूल जाओ उसको, अच्छा हुआ जो ब्रेकअप हो गया, किसी और के लिए वो तुझे छोड़ गई, वो तेरी कभी थी ही नहीं, अब खुलकर जी अपनी जिंदगी। दिल कहता है, एक बार बात कर ले उससे, बहुत अच्छी है वो, मान जाएगी, आखिर तूने ऐसा किया ही क्या है जो छोड़ गई तुझे। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, मना ले उसको। फिर दिमाग कहता है, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, सब यूज करते हैं आपको, इसलिए आज से तुझे भी यही करना होगा, नो लव नो पेन। फिर दिल कहता है, प्यार में बहुत पावर है, अगर किसी से सच्चा प्यार करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, शायद तेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो। दिमाग कहता है, करियर पर ध्यान दो, पैसा पास होगा तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, प्यार भी। फिर दिल कहता है, बस मुझे मेरा प्यार मिल जाए, पैसे का क्या, एक बार शादी हो जाए, मिलकर सब कर लेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप ऐसी सिचुएशन में किसकी सुनेंगे, दिल सही कह रहा है या दिमाग। और यदि आप सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, हम इसका सही जवाब आपको पार्ट 2 में देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।